हथियार परवान चढ़े तो दुनिया से लड़ने को तैयार हो जाता है, लेकिन जब हदों से गुजरने के बाद प्यार में धोखा हो जाए तो कई बार मामला अपराध की तरफ चला जाता है। कुछ ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर से आया है, जिसका कनेक्शन मध्य प्रदेश के इंदौर से भी है। इंदौरी और कनपुरिया इश्क की एक अजीब कहानी सुनते ही सब हैरान रह जाते हैं। जिगर मुरादाबादी का एक मशहूर शेर आपने सुना होगा, ये इश्क नहीं आशा इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। आमतौर पर प्रेम की कहानियों में कोई तीसरा आदमी विलन बनता है और जोड़ा उनसे लड़कर अपने इश्क को मुकम्मल करता है। कानपुर से सामने आई ये प्रेम कहानी सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। यहाँ एक लड़के ने अपने प्यार को पाने के लिए सर्जरी करवा ली और अपना जेंडर बदल लिया, लेकिन इश्क मुकम्मल नहीं हो पाया। जब इतना कुछ करने के बाद प्यार नहीं मिला तो ये गुस्सा उसे अपराध और बदले की ओर लेकर चला गया। उसने अपने प्रेमी के घर को आग लगाने के इरादे से कार को आग लगाई, लेकिन घर तो बच गया पर वो गिरफ्तार हो गया। इंदौर के रहने वाले दीप और कानपुर के वैभव शुक्ला की दोस्ती साल 2021 से इंस्टाग्राम के जरिए हुई। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई और एक दिन मामला प्यार तक पहुंच गया। दोनों के बीच और नजदीकियां बढ़ने लगी। वैभव और दीप के बीच शादी को लेकर भी बात होने लगी, लेकिन समलैंगिक होना रास्ते का रोड़ा बन रहा था। दीप से मिली जानकारी के अनुसार वैभव ने कहा, यदि तुम लड़की होते तो शादी कर लेता, इसी कारण उसने जेंडर चेंज कराया और लड़की बन गया। इसके लिए उसने करीब 50 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन पता नहीं क्या हुआ दोनों में अनबन हुई और वैभव ने शादी से मना कर दिया और कानपुर चला गया। जब वैभव को पाने के लिए दीप ने अपना बड़ा कदम उठा लिया और उससे शादी से मना किया तो वो बौखला गया। इसी कारण उसने गुस्से में बदला लेने की प्लानिंग की। दीप इस कदर नाराज हुआ कि वो इंदौर से कानपुर आ गया। उसने चकेरी थाना क्षेत्र के श्याम नगर स्थित वैभव शुक्ला के घर की रेखी की, उसके बाद एक रात कांड कर दिया। दीप बदला लेने के लिए एक युवक के साथ देर रात वैभव के घर पहुंचा और पेट्रोल डालकर कार को आग लगा दी और वहां से फरार हो गया, लेकिन इंदौर भागने से पहले पुलिस ने उसे दबोच लिया। उसे गिरफ्तार करने की कार्रवाई सीसीटीवी वीडियो के आधार पर की गई। दीप की गिरफ्तारी के बाद कानपुर के चकेरी थाना में मामला दर्ज किया गया और जांच की जा रही थी। गिरफ्तारी के बाद ही पूछताछ में सारा मामला सामने आ गया। ये चकेरी थाना क्षेत्र में एक अर्टिगा गाड़ी अपने घर के अंदर खड़ी हुई थी और कुछ लोग जो है वो घर के अंदर आते हैं और गाड़ी में जो है वो आग लगा करके भाग जाते हैं। इस पे एक तहरीर दी गई थी और एक मुकदमा जो है वो थाना चकेरी में लिखाया गया था। अभियोग पंजीकृत होने के बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये निकल कर के आया कि एक विभव शुक्ला नाम का लड़का है और ये जो है जो गाड़ी के ओनर है उनका बेटा है और इसी का एक मित्र है जिसका नाम दीप है जो इंदौर का रहने वाला है। ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे और इंस्टाग्राम के माध्यम से ये मिले थे और इनके जो है वो सेक्सुअल रिलेशंस थे। विभव शुक्ला के द्वारा दीप को ये कहा गया था कि जो है वो आप अपना जेंडर चेंज करा लीजिए तो मैं शादी कर लूँगा। इस पे दीप ने अपना जेंडर जो है चेंज कराया और विभव शुक्ला ने शादी करने से इनकार कर दिया था। इस पे एक मुकदमा इंदौर में भी जो है शायद दीप ने लिखवाया है, उसकी भी तफ्तीश चल रही है। तो ये दीप जो लड़का है वो जो वर्तमान में अभी लड़की बन चुका है वो अपने एक मित्र के साथ आया था और किसी माध्यम से इसने जो है विभव का मकान नंबर और डिटेल पता की और फिर आकर के रात में इसने उसकी गाड़ी में जो है वो आग लगा दी। इसमें विभव इंस्टाग्राम के माध्यम से जो है इस लड़के से मिला था और तभी से इनकी 4-5 साल से जो है वो फ्रेंडशिप चल रही थी। बहरहाल जो अभियोग पंजीकृत किया गया इसमें दोनों अभियुक्त एक दीप और दूसरा जो है वो रोहन यादव, इनको अरेस्ट कर लिया गया है और इनसे जो प्रारंभिक पूछताछ की गई है उसमें ये घटनाक्रम की इन्होंने जो है पुष्टि की है। इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार शादी से इनकार किए जाने पर दीप ने इंदौर में ही केस दर्ज करवाया है, इसकी भी जांच की जा रही है।